महावि टेक्निकल चैनल ले आपण मानक स्वागत जनावि आज आम भिडे आपण मानक कहूँ जे ईओस किपर सठिक भाव पेमेंट टी करें तो मु पचर गोटे भिड छाड़ी जो थी थिला कि ईओस किपर पेमेंट करेंगे तो बहुत सारा पिलांकर प्रॉब्लम आसुच्चे आमर पेमेंट हो जामर बैंक रु पैसा कटि जाऊँ पेंडिंग हो कार लिखुचे नॉट फाउंड लिखुचे बहुत सारा प्रॉब्लम आसुची तो आपठ देखिपे मुझे वीडियो छाड़ी थी एस किपर पेमेंट करें देखिपे से केते कमेंट भरपूर कमेंट आसुची कहीं पिलांकर बहुत पेमेंट करिबारे बहुत प्रॉब्लम रोचे आ प्रॉब्लम टी कौटी रोचे से आपहती कह तो देखिपे केते कमेंट आसुचे आमको तो कहीं पेमेंट टी पिलांकर पैसा टी कटि किंतु पेमेंट टी सक्सेस हो ओपीएसएससी साइट रे आपण मानक लिखुचे भेरीफाई करने ना आउ थे आपको पेमेंट करने मागुचे से आपण मैंने बहुत टेंशन होते तो मुझे यही भिडियो कहबी जे कौन एमती प्रोब्लेम आसूसी आ पाने कौन से प्रोब्लेम टी फेस करूँ जोटा कि पेमेंट हो जाए बट सक्सेस हो पैसा कटि जाऊ बट सक्सेस हो भिडी मुझे फास्ट रू नहीं पूरा लास्ट पर्यंत कहबीजे आपरि पेमेंट करें मैंने सठिक भाव में पेमेंट करेंगे जदि आपड़ोटी पूरा फास्ट रू नहीं लास्ट पर्यंत देखुं तो आपण मानक आउ कौन भिडियो देखने पड़े ना तो आपजिली एस पेमेंट टी करें तो आशा करी भिडियोटी आपने संपूर्ण देखिए और बुझीपर जदि आपड़ोटी भल लगे सांग गोटे लेखा सेयार करदे तो बेसि किसी डेरी नक चलते भिडियोटी स्टार्ट कर एस पेमेंट कर सारे आपण मान पेंडिंग रही जाऊँगी तो से पेंडिंग को आपरि क्लीयर करेंगे तो यही भिडियो मुझे आपको लास्ट को कह तो फास्ट आपख रखी एस आपर सठिक भाव में पेमेंट टी करें तो सिंपल ओपीएसएससी में लॉगिन हो जातु ये आसवे पे ऑनलाइन तापर सिंपल भाव में आपने क्लिक करूँ तो ये आपँक 55.55% आपर चांसेस अच्छे कनफर्म होगा तो सिंपल ये कौन करना गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट उपरे क्लिक करेंगे तो ये आपड़ा तेजेरी चैनल को आपको रिडाइट करदेव तो ये आपको किसी भी चेंजेस करना किसी भी फिलअप करना सब तल को पलि आसवे ये नेक्स्ट बटन लिखाई तापर क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन क्लिक कर सारा मुझे रेफर करी डेबिट कार्ड ही पेमेंट करूँ और एक्सिस बैंक ही चूज करूँ कन्फर्म होबार चांसेस बहुत थाए 90% थाए तो से एक्सिस बैंक उपरे क्लिक करी क्लिक कर सारा रिमार्क रिमार्क आपने किसी भी देपारे तो ये टर्म एंड कंडीशन को ओके कर सारा आपण गोटे कैप्चा कोड फिलअप करने पड़ो कैप्चा कोड टी फिलअप कर सारापर तो आपने कौन करेंगे ना ये मेक पेमेंट उपरे क्लिक करेंगे तो सिंपल आपने देखिपे लिखाई प्रोसीड टू पेमेंट टैब्रे क्लिक करेंगे क्लिक कर सारापर तो आपठी कार्ड डिटेल मागिब तो सिंपल आपकोसी मैंने एटीएम आपटीएम मैंने डिटेल देपारे सेमती नुह केवल मुझे एचडीएफसी दूसरी तो आपडीएफसी ही दिखाँ एसबीआई किसी भी आपड़े तो सिंपल दे सारापर मेक पेमेंट उपरे जो आप क्लिक करूँ तो ये आपको कौन करना तो आपण नंबर को गोटे ओटीपी जी तो से ओटीपी आपको फिलअप करी तो सबमिट करार अच्छी तो सबमिट कलापर आपने किसी समय वेट करेंगे वेट करूना बैक कर दूसरी तो से आपर पेंडिंग हो जाए तो केबे बेटी बैक करेंगे ना तो ये मुझे कौन करुच्ची ना ओटीपी फिलअप करी तो सबमिट करी तो सबमिट करके वेट करार अच्छे तो आपने कौन कर डायरेक्ट बैक कर दौरान ना ये लिखा आ इमिडियेटली रिडाइट बैक लिखुच तो आपने कौन कर ये बैक कर दौरान टू रिटर्न इमिडियेटली क्लिक कर तो सही क्लिक कर दौरान केवे बेटी क्लिक करेंगे ना तो आपँ को 30 सेकेंड ये वेट करार अच्छे या गोटे प्रिंट कि डाउनलोड कि स्क्रीनशॉट गोटे नहींगले आपर सुविधा आसवर यह भेरीफाई करेंगे तो देखिपे एस रेमेंट आम सक्सेस हो सारी तो सक्सेस हो जाए तो किसी प्रोब्लेम ना जार सक्सेस हो पेंडिंग हो जाने कौन करेंगे तो आपण मुझे रखुच्छे तो देखु ये भिडियोटी मैंने आपन ये देखिपे त्रेजेली चालाण रेफरेन्स नंबर लिखा जा 3345EAC01A तो यही नंबर टी आपको रखिबार अच्छी कि पेमेंट करने समय आप स्क्रीनशॉट नबार अच्छी कि आपने से
ମାନେ ଯେଉଁଟା ପେମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ରିସିପ୍ଟଟି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତେଜେରୀ ଚାଲାଣ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଦୁଇ ମିନିଟରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣ ପେଣ୍ଡିଂ ଯାହା ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ପେମେଣ୍ଟ ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ କରିପାରିବେ। ତ କେମିତି କନଫର୍ମ କରିବେ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ତ ସିମ୍ପଲ ଏଇ ନମ୍ବରଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ତ ଏଇ ନମ୍ବର ଥିଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପନ୍ କରିବେ, ସେଠି ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେବେ ଓଡ଼ିଶା ତ୍ରେଜେରୀ ଚାଲାଣ। କ'ଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ? ଓଡ଼ିଶା ତ୍ରେଜେରୀ ଚାଲାଣ। ସର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ତଳକୁ ଆସିବେ, ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିବ ଇ ଚାଲାଣ, ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଇ ଚାଲାଣ ଉପରେ। କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସଭା ତଳକୁ ଟିକେ ଆସିବେ, ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିବ ଯେ ଚାଲାଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବା ରିସିପ୍ଟ ଆସୁଛି। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସେଇ ନମ୍ବରଟି ଲେଖିବାର ଅଛି, କ'ଣ ଏଠି ଥିଲା 3345 3345 EAC01A ଏଇ ନମ୍ବରଟି ଲେଖିବାର ଅଛି। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା, ତ କ୍ୟାପ୍ଚା YF3HK ଏତିକି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତ ସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ଯାହାର ବି ଏଇଟା ରିସିପ୍ଟ ଅଛି ତା'ର ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସଭା ତଳକୁ ଆସିବା। ଏଇଠି ଆସୁଛି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଚାଲାଣ, ମାନେ ତା'ର ଅଲରେଡ଼ି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଚାଲାଣ ଆସୁଛି। ଯାହାର ପେଣ୍ଡିଂ ଆସୁଛି ଏଠି ଲେଖିଥିବ ଯେ ଭେରିଫାଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ଭେରିଫାଏ କିଛି ସମଥିଙ୍ଗ ଆସିଥିବ, ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭେରିଫାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ୱେଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିବ। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା 30 ସେକେଣ୍ଡ ୱେଇଟ୍ କରିନେବେ, ତ ଏଇ ଚାଲାଣଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ପୁଣି ଆପଣମାନେ OPSSCକୁ ସାଇଟ୍କୁ ପଳେଇବେ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ୱେଇଟ୍ କରିବେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଆସିବ ଯେ ଭେରିଫାଏ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ତାକୁ ଭେରିଫାଏ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟଟି ବା ପେଣ୍ଡିଂ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବ। ତ ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦେବେ। ତ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।